गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? एक बार फिर इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स विद अंकित सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कल हमने बात की थी वो सेंटेंस एनालिसिस पे बात की थी। किसने बात की थी दोस्तों? सेंटेंस एनालिसिस पे बात की थी, और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को, आज साल का हमारे पास कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। कौन सा दिन है सर? तीसरा। और हमारे चैनल को भी कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। दोस्तों, आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा तो हम इस कंसेप्ट को, इंग्लिश के कंसेप्ट को बहुत दूर तक ले जाएंगे, और एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को ऐसे क्लियर करते जाएंगे जैसे हमारे पास जो इंग्लिश का फोबिया होता है वो कभी था ही नहीं। बात समझ में आई दोस्तों? इसी छोटी सी एक बात के लिए शुरू करते हैं इंग्लिश विद कंसेप्ट्स, इंग्लिश कंसेप्ट्स विद अंकित सर में। कल हमने क्या शुरू किया था? सेंटेंस एनालिसिस शुरू किया था। क्या किया था दोस्तों? सेंटेंस एनालिसिस। और फर्स्ट वन, उसमें हमने क्या बात की थी कि जब भी हमारे पास कोई लैंग्वेज होती है तो उसका क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है दोस्तों उसका? हमारे पास स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है? लिपि होता है। क्या होता है स्क्रिप्ट का अर्थ हमारे पास? लिपि। लेटर्स के कलेक्शन ने जब हमें कोई सेंस दिया था तो उस कलेक्शन को हमने किस में फाइंड आउट किया था दोस्तों? वर्ड्स में फाउंड आउट किया था। किस में फाइंड आउट किया था? वर्ड्स में। और अब हमारे पास जब वर्ड्स आए थे तो वर्ड्स के कलेक्शन ने जब हमें कोई सार्थक अर्थ दिया, मतलब कोई सेंस दी, तो हमने उसे किस में काउंट किया था? सेंटेंस में काउंट किया था। किस में काउंट किया था दोस्तों? सेंटेंस में। और सेंटेंस के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? दो। फर्स्ट वन सब्जेक्ट और सेकेंड वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जब बात करेगा तो हमेशा किसके बारे में बात करेगा? व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करेगा। क्या करेगा दोस्तों? व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करेगा। और जब प्रेडिकेट आएगा काम करने के लिए, मतलब सेकंड टर्न किसका आएगा? प्रेडिकेट का। और ये जब भी बात करेगा दोस्तों तो हमेशा किसकी विशेषता बताएगा? अपने सब्जेक्ट की। किसकी विशेषता बताएगा? अपने सब्जेक्ट की। मतलब सब्जेक्ट का सबसे खास आदमी कौन है? प्रेडिकेट। कौन है सब्जेक्ट का सबसे खास आदमी दोस्तों? प्रेडिकेट। ध्यान देंगे इसी बात के ऊपर। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास, वो हमने कल क्या किया था कि सेंटेंस की जो लाइन थी उसको बांटा था। किसको बांटा था हमने? सेंटेंस की लाइन को बांटा था। और आज हम किससे बात करेंगे? उसके परिवार से बात करेंगे, उसकी फैमिली से बात करेंगे। जैसे हमारा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरा बेटा है, मेरी मिसेज है, वैसे तुम्हारे भी सभी के परिवार है, मम्मी पापा है। भाई हो सकता है किसी को मिसेज वगैरह ना हो, बेटा वगैरह ना हो, तो चिंता मत करना। ये सभी चीजें क्या है कि ये लॉजिकल होती है, जब जॉब मिल जाएगी तो ये सब चीजें भी आपके पास टाइम टू टाइम होता है। बात समझ में आई सर? एक स्टेप टू स्टेप बढ़ना चाहिए, है ना। सीधा ये नहीं होता कि हमारे पास की पहले हमारे पास क्या घर वाले नहीं होते, सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन एक स्टेप टू स्टेप ये चलने के लिए आज हम शुरू करेंगे इस कंसेप्ट को। ध्यान देंगे दोस्तों, जो हमने शुरू किया था वो था सेंटेंस। क्या था वो हमारे पास? सेंटेंस। और सेंटेंस का हमने जब शुरू करने के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट कर लिया था। क्या फाइंड आउट किया था दोस्तों? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ध्यान देंगे आज उसके परिवार से परिचय करेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे। क्या कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस? क्या कहता है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। जब हमने सेंटेंस को डिवाइड किया, क्या किया हमने? सेंटेंस को डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? वर्गीकरण। क्या होता है क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण। जब सेंटेंस को हमने डिवाइड किया तो कितने भाग में बांटा हमने? टू पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया दोस्तों? टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था? इन द बेसिस ऑफ मीनिंग। और सेकेंड वन क्या था? इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्या था दोस्तों हमारे पास? जब सेंटेंस को हमने बांटा, इसके परिवार से मिलने गए, तो सेंटेंस क्या थे? इस घर के बड़े बुजुर्ग थे। क्या थे दोस्तों? सेंटेंस इस घर के बड़े बुजुर्ग। और सेंटेंस को कितने बेटे थे? दो बेटे। कितने पुत्र थे उसके?
दो पुत्र थे, सबसे पहला पुत्र कौन था? इन द बेसिस ऑफ मीनिंग, क्या था पहला पुत्र इसका? इन द बेसिस ऑफ मीनिंग। और इंग्लिश का प्रोविजन हमारे पास कब आया था? बहुत सालों पहले आया था। कब आया था हमारे पास? बहुत सालों पहले। तो बहुत सालों पहले क्या भाई, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अभी तो क्या कि वी टू अवर टू, हम तो हमारे दो। और पहले क्या होते थे कि ज्यादा बच्चे करते थे, कितने बच्चे होते थे? ज्यादा होते थे भाई, मोर देन थ्री होते थे, मतलब तीन से तो ज्यादा ही होते थे। तो जो सेंटेंस था और जिसके दो बेटे थे, कौन फर्स्ट इन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेकंड कौन था इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो इन द बेसिस ऑफ मीनिंग के पास हमारे कितने बेटे थे? उसके पांच बेटे थे। कितने बेटे थे सर? पांच। और उसके पहले बेटे का नाम क्या? सोनू मोनू नहीं था। क्या नहीं था उसका नाम? सोनू मोनू। क्या नाम था उसका? असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम था उसका? असर्टिव, ना कि असर्टिव। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। और जो दूसरा बेटा हुआ एक साल बाद, तो उसका क्या नाम था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब तीसरा बेटा फिर हुआ एक साल बाद, तो उसका क्या नाम निकाला इन्होंने? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम निकाला उसका इन्होंने? इंपेरेटिव। फिर एक लड़का हुआ इनको, उसका नाम इन्होंने क्या निकाला? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम निकाला उसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर एक बेटा हुआ ऐसा मत सोचना भाई, है ना, सिर्फ लॉजिकल बात है कि ये क्या है इनके दादाजी और ये दोनों इनके क्या है बेटे। पहले बेटे के कितनी संतान है? पांच संतान। चार भी पैदा हो चुके हैं और लास्ट वन हमारे पास क्या? एक अजूबा है जिसका नाम क्या था हमारे पास? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या नाम था उसका हमारे पास? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बात समझ में आई सर? सबसे पहले सेंटेंस आया। क्या है सबसे पहले सेंटेंस? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स। क्या होता है ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स? यूनिट क्या होता है हमारे पास? यूनिट ही होती है जो होता है हमारे पास। और अगर मीनिंगफुल हुआ हमारे पास वो यूनिट, किसका यूनिट सर? वर्ड्स का यूनिट। किसका यूनिट? वर्ड्स का यूनिट। अगर मीनिंगफुल हुआ तो उसे क्या बोल देंगे? सेंटेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर उसे? सेंटेंस। और जब सेंटेंस के परिवार से मिलने गए, तो भाई आजकल देखो ध्यान देना, जब कोई भी भाई किसी की शादी के लिए आते हैं, तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे घर में भी भाई हमें देखने वाले आए थे। और वो आते हैं क्या? सबसे पहले किससे मिलते हैं? डैडी से मिलते हैं, या घर का कोई भी मुखिया होता है उससे मिलते हैं, फैमिली मेंबर से सभी से मिलते हैं। और आके क्या करते हैं? फिर उनके बेटे से, मतलब क्या मेरे को देखने आए तो किससे मिलेंगे? मेरे लिए। भाई मेरे लिए तो बहुत खास दिन था वो, है ना। बात करते हैं सबसे पहले क्या हुआ, सेंटेंस आया। इसके कितने बेटे? दो। पहला बेटा कौन? इन द बेसिस ऑफ मीनिंग। और इसके कितने बेटे हैं? पांच बेटे। पहला असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, और लास्ट वन क्या है हमारे पास? एक्सक्लामेटरी। कौन सा है लास्ट वन हमारे पास? एक्सक्लामेटरी। ध्यान देंगे सर जी, जब फॉर्मेशन का नंबर आया, मतलब किसकी? जब फॉर्मेशन की शादी हुई। किसकी शादी हुई पहले? फॉर्मेशन की। और जब फॉर्मेशन की शादी हुई हमारे पास, तो इसके बेटे भी होने भी संभव है भाई, लड़का या लड़की कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। जब इसके जब पुत्र प्राप्त हुआ, तो फर्स्ट वन इसके कितने पुत्र हुए? तीन पुत्र हुए। कितने बेटे हुए इसके? तीन बेटे हुए। पहले बेटे का नाम सुनेंगे, नाम क्या था? सिंपल सेंटेंस। क्या नाम था उसका? सिंपल सेंटेंस। और जब दूसरा बेटा हुआ, तो उसका नाम क्या था हमारे पास? कंपाउंड सेंटेंस। क्या नाम था उसका हमारे पास? कंपाउंड सेंटेंस। और जब तीसरा बेटा हुआ, तो उसका नाम क्या था हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या था उसका नाम हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान देंगे सर, हमने किससे परिचय किया अभी? सेंटेंस से इंट्रोडक्शन किया। किससे इंट्रोडक्शन किया? सेंटेंस से। और सेंटेंस हमारे पास कितने होते हैं? जब इसके परिवार से मिलेंगे तभी तो पता चलेगा भाई। इसके परिवार से मिले सेंटेंस हमारे पास क्या? उस घर का मुखिया। इसके कितने बेटे? दो बेटे। बड़ा बेटा कौन? बेसिस ऑफ मीनिंग। इसके कितने बेटे? पांच बेटे। पहला असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, और थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिव, और लास्ट वन क्या है? एक्सक्लामेटरी। क्या है लास्ट वन हमारे पास? एक्सक्लामेटरी। और जब बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की शादी हुई, तो इसके कितने बेटे? तीन बेटे। फर्स्ट वन कौन सा था? सिंपल। सेकंड वन कौन सा? कंपाउंड। और थर्ड वन कौन सा सर जी? कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सभी के बारे में क्या करेंगे? एक एक करके बात करेंगे। असर्टिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, इंपेरेटिव क्या है, ऑप्टेटिव कहां से आया, और एक्सक्लामेटरी का प्रोविजन हमारे पास कहां से आया। ओके सर, टेक ए टाइम।
ठीक है दोस्तों, हो गया, टाइप डाउन हो गया। अभी बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस। ध्यान देते हैं दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? असर्टिव सेंटेंस। ध्यान देना, क्या बोला कि असर्टिव सेंटेंस, क्या कह रहा है? असर्टिव सेंटेंस। ध्यान देंगे दोस्तों, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में सिर्फ आपको बता देंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो हिंदी में आपको बता देंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इंग्लिश को किस वजह से नहीं पढ़ते, कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो लंबा चौड़ा इंग्लिश में होता है, और उसको देख करके फोबिया बन जाता है। क्या बन जाता है उसको देख के? फोबिया। उस फोबिया को हटाना है और सिंपल सिंपल बातें करनी है, बिल्कुल लॉजिकली आपके बिल्कुल जीवन से जोड़कर, लाइफ से जोड़कर इन बातों को करेंगे। अगर हमारे पास असर्टिव सेंटेंस की बात करें, कौन से सेंटेंस की बात करें? असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो कहता क्या है, क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें सूचना देके चले। क्या देके चले सर? हमें सूचना। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा सर? हमें इंफॉर्मेशन देगा। और जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आया तो हमारे पास क्या आई? सूचना आई। क्या आई हमारे पास? सूचना आई। और सूचना को ही दोस्तों क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना को ही खबर। और खबर हमारे पास कहां से आती है? फोन से भी आती है। किससे आती है? फोन से भी, टीवी से भी आती है, और हमारे पास क्या? न्यूज़पेपर से भी आती है। किससे आती है हमारे पास? न्यूज़पेपर से। हिंदी में इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? सूचनावाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे सेंटेंस को? सूचनावाचक वाक्य। और जब सूचनावाचक वाक्य है तो कैसा सेंस देगा? सूचना ही देगा। क्या देगा हमें? सूचना, कोई भी खबर देके चलेगा। बात समझ में आई? अगर बात करें न्यूज़पेपर की, किसकी बात करें? न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर का हर सेंटेंस कैसा होता है? असर्टिव होता है। कैसा सेंटेंस होता है हमारे पास? असर्टिव। बात समझ में आई? न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का हर सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव। और हिंदी न्यूज़पेपर का हर सेंटेंस कैसा होगा? सूचनावाचक। कैसा वाक्य होगा हमारे पास? सूचनावाचक। बात समझ में आई सर? क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब हमारे पास खबर आई, क्या आई हमारे पास? खबर आई। तो खबर कैसी आई हमारे पास? भाई घर पे फोन आया, चलो फोन से लेते हैं, फोन आया। और फोन आते ही क्या बोलते हैं कि भाई पड़ोस वाले बबलू भैया को क्या हुआ है? लड़का हुआ है। क्या हुआ है? पड़ोस वाले बबलू भैया को लड़का हुआ है। तो कैसी खबर है सर? अच्छी खबर है। कैसी खबर है ये हमारे लिए? अच्छी खबर, मतलब पॉजिटिव बात है। कैसी बात है ये? पॉजिटिव। और पड़ोस से खबर आई कि क्या? अरे यार, जो हमारे पास साहिल भैया थे वो अब नहीं रहे। क्या खबर आई हमारे पास? कि साहिल भैया नहीं रहे। नहीं रहे मतलब क्या? बुरी खबर है यार, इस संसार को छोड़ के चले गए। जो मोहित ज्ञान था हमसे वो प्राप्त नहीं किया, हमारा सेंटेंस नहीं पढ़ा। बात समझ में आई? तो ये हमारे लिए क्या है? एक बुरी खबर है। कैसी खबर है दोस्तों? ये बुरी खबर। दुनिया में आना जाना लगा होता है, सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए बात थी। अगर किसी का जन्म होता है तो वो खबर कैसी बन जाती है? अच्छी। और किसी का मरण होता है तो वो खबर कैसी बन जाएगी दोस्तों? हमारे लिए बुरी खबर। इसी कंसेप्ट को लेकर आगे चलते हैं। जब हमारे पास खबर आई, क्या आई हमारे पास? खबर आई। तो पहली जब खबर आई तो वो हमारे पास कैसी खबर आई दोस्तों? अच्छी खबर आई, सकारात्मक खबर आई। उस सकारात्मक खबर को हमने क्या बोला? अफिर्मेटिव बोला। क्या बोला उस सकारात्मक खबर को? अफिर्मेटिव। और जब कोई हमारे पास बुरी खबर आई, ऐसी खबर आई हमारे पास, बुरी खबर आई, तो उस खबर को हमने क्या बोला? नेगेटिव बोला। क्या बोला उस बुरी खबर को हमारे पास? नेगेटिव। बात समझ में आई दोस्तों? अफिर्मेटिव आ गया और नेगेटिव आ गया। क्या आ गया हमारे पास? अफिर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव ने हमें सूचना दी, हमें इंफॉर्मेशन दी, और उस इंफॉर्मेशन से हमें कैसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई? अच्छी इंफॉर्मेशन भी आई और बुरी इंफॉर्मेशन भी आई। कैसी इंफॉर्मेशन आई? अच्छी इंफॉर्मेशन भी और बुरी इंफॉर्मेशन। अच्छी इंफॉर्मेशन को किसमें रखा हमने? अफिर्मेटिव में रखा। किसमें रखा? अफिर्मेटिव में। और बुरी इंफॉर्मेशन को किसमें रखा? नेगेटिव में। भाई मैं आपके लिए यहाँ पर चैनल पे क्या करने के लिए आया? क्या आप मेरे दोस्त हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या है? मेरे अजीज स्टूडेंट्स। क्या है दोस्त? आप मेरे अजीज स्टूडेंट्स हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं क्या करने के लिए आया?
कार्य करने के लिए आया, वर्क करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया मैं यहाँ पर? कार्य करने के लिए आया। और जब कोई किसी व्यक्ति विशेष पे कार्य करता है वो क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है वो? सब्जेक्ट। और किसी क्रिया के सहारे कार्य करना, किसी क्रिया के सहारे कार्य करना, मतलब लास्ट में बोलते थे ना सेवंथ एट्थ में कि वर्ब आएगी तो लास्ट में क्या आता है? लिखना, पढ़ना, सोना, नहाना। तो हमारे पास किसी भी कार्य को करना क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है हमारे पास? वर्ब। बात समझ में आई? और वर्ब हमारे पास कैसा वर्ड है? एक्शन वर्ड। कैसा वर्ड है हमारे पास? एक्शन वर्ड है। तो एक्शन करेगा कौन? जब मैं कार्य करने के लिए आया तो एक्शन कौन करेगा? मैं। मतलब फर्स्ट वन हमारे पास कौन आया? सब्जेक्ट आया। कौन आया फर्स्ट वन हमारे पास दोस्तों? सब्जेक्ट आया। किसके सहारे एक्शन किया? वर्ब के सहारे। और किस चीज के ऊपर एक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। किस पे एक्शन करेगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, हमने क्या किया कि कार्य करने वाला सब्जेक्ट एक्शन किसके द्वारा करेगा? वर्ब के द्वारा। और किसके ऊपर करेगा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट एक ऐसा माध्यम होता है कि जिससे होकर कोई एक्शन पास होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट हमारे पास? एक ऐसा माध्यम जिससे होकर एक्शन पास होगा। दैट कैन पासेस डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एक्शन। और दैट कैन पासेस थ्रू इनडायरेक्ट, तो कैसा एक्शन हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? क्लियर है? अरे राम ने बॉल फेंकी। क्या फेंका राम ने? बॉल फेंकी। मानो इसको बॉल है तो मैं बॉल किसने फेंकी? राम ने। फेंकने वाला राम। और फेंकना क्या? वर्ब। भाई क्रिया एक्शन करेगा तो क्या? वर्ब। और किसके द्वारा फेंकी गई? राम के द्वारा फेंकी गई। मतलब फेंकी किसके एक्शन से गई? हाथ से। किससे गई? राम के हाथ से गई। तो मतलब इस हाथ के एक्शन से किसका माध्यम गुजरा? बॉल का माध्यम गुजरा। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे पास नेगेटिव की बात आई, किसकी बात आई? नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट तो वही जो कार्य करेगा, एक्शन वर्ब के सहारे कार्य करेगा। अब क्या आएगा हमारे पास? नोट आएगा। क्या आएगा हमारे पास? नोट। और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान देना दोस्तों कि जब भी किसी सेंटेंस में नोट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा नोट का प्रयोग करेंगे। तो वो किसके बाद करेंगे? हमेशा वर्ब के बाद करेंगे। किसके बाद करेंगे नोट का प्रयोग? हमेशा वर्ब के बाद में करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जो नाम आया वो क्या आया? वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। क्या नाम आया हमारे पास? वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर। इसे क्या बोल सकते हैं सर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सब्जेक्ट क्या करेगा? कार्य करेगा। किसके एक्शन के सहारे? वर्ब के एक्शन के सहारे। जिस पे कार्य करेगा, जिसके माध्यम से एक्शन गुजरेगा, वो ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना भाई, जब आप यहां से पढ़ के गए, क्या करके गए? यहां से पढ़ के गए, तो घर पे जाके क्या बोलेंगे? मैं पढ़ के आया हूं। क्या करके आया हूं? मैं नारनौल पढ़ के आया हूं, दिल्ली पढ़ के आया हूं, हैदराबाद पढ़ के आया हूं, कहीं भी पढ़ के आया हूं, मैं पढ़ के आया हूं। तो उसने क्या किया? पढ़ने का कार्य किया। फिर घर वाले क्या पूछते हैं कि कहाँ पढ़ के आया है? कुछ और कुछ भी तो करने जाते हैं लोग, पढ़ने ही थोड़ी जाते हैं भाई, हर प्रकार के इंसान होते हैं। तो क्या पूछते हैं कि क्या करने गया था और किस जगह पढ़ के आया? तो हमें क्या बताना पड़ता है घर वालों को? प्लेस बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? प्लेस। और जब भी उनका मन ना भरे तो पूछ लेते हैं कि किस समय पढ़ के आया? क्या पता कहीं भी बाजार में देखा हो, तो क्या पूछेंगे? किस समय पढ़ के आया है? तो हम किसको ऐड करेंगे यहाँ पर? टाइम को भी ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? टाइम को। यहां तक हम परिचित थे। जब प्लेस और टाइम आया तो सबसे पहले कौन सा? छोटा प्लेस आएगा। फिर कौन सा प्लेस आएगा? बड़ा प्लेस। बात समझ में आई? टाइम की बात करेगा तो सबसे पहले छोटा टाइम, और फिर कौन सा टाइम आएगा हमारे पास? बड़ा टाइम। इज दैट क्लियर सर? अब छोटा टाइम क्या होता है और हमारे पास बड़ा टाइम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे पास कितने स्पेल होते हैं? तीन स्पेल होते हैं। कितने स्पेल होते हैं हमारे पास? तीन स्पेल होते हैं। फर्स्ट वन कौन सा? सुबह का, मॉर्निंग का। फिर कौन सा होता है? आफ्टरनून का। और फिर कौन सा होता है? इवनिंग का होता है। तीनों आठ आठ घंटे के होते हैं। कितने घंटे के होते हैं? तीनों आठ आठ घंटे के। जब समय की बात आएगी तो बजने वाला टाइम हमेशा कौन सा टाइम होगा? छोटा टाइम होगा। बजने वाला टाइम हमेशा कौन सा टाइम होगा दोस्तों? छोटा टाइम। बात समझ में आई? और जो स्पेल होगा वो कौन सा टाइम? बड़ा टाइम। मैं बोलूं पांच बज
बजे सुबह, क्या बोलूं, 5 बजे सुबह, 5 बजे बजने वाला छोटा टाइम और सुबह कौन सा बड़ा टाइम, और मैं बोलूं सुबह 5 बजे तो वो क्या हो जाएगा, अरे मूर्ख सुबह तो कैसा टाइम है, बड़ा टाइम है, और 5 बजे कौन सा बजने वाला टाइम, कौन सा टाइम, छोटा टाइम। तो हमेशा क्या बोलेंगे, पहले बजने वाला टाइम और फिर स्पेल को रखेंगे, मतलब बजने वाला टाइम छोटा टाइम और मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कैसा टाइम दोस्तों, बड़ा टाइम, कैसा टाइम होगा, बड़ा टाइम, क्लियर, नो डाउट। और जब प्लेस की बात करें तो आप ये बताओ दिल्ली बड़ा या भारत बड़ा, दिल्ली बड़ा या भारत बड़ा, तो क्या भारत बड़ा, दिल्ली तो क्या है हमारे पास कैपिटल है, छोटा सा ही तो शहर है, ज्यादा बड़ा थोड़ी है भाई, हमारे मुकाबले बड़ा है लेकिन इतना बड़ा थोड़ी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका घर बड़ा या पूरा हरियाणा बड़ा या पूरा राजस्थान बड़ा, तो क्या हमारा स्टेट बड़ा होता है, आप तो उसके अंदर रहने वाले क्या एक मामूली से नागरिक होते हैं, बात समझ में आई, क्लियर है। मैं आपको बोलूं ही goes to office at morning in the 5 o'clock, क्या बोलूं मैं आपको, he goes to office at morning in the 5 o'clock, सभी से परिचित होंगे दोस्तों, he हमारे पास सब्जेक्ट, गोज हमारे पास क्या है वर्ब, कहां गया ऑफिस गया, अब हमारे पास क्या प्लेस नहीं है तो उसको ड्रॉप कर देंगे, जो चीज नहीं है उसको ड्रॉप कर देंगे, ये क्या है हमारे पास टाइम है, क्या है ये हमारे पास टाइम। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब क्या है, सुबह 5 बजे, क्या है इसका हिंदी में मतलब, सुबह 5 बजे, और मैंने आपको बताया बजने वाला टाइम हमेशा छोटा, तो ये टाइम कहां आना चाहिए, आगे आना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 5 बजे सुबह होना चाहिए, बात समझ में आई सर। हमारे पास एट और इन दो प्रीपोजिशन आई, अपेक्षाकृत छोटे समय और स्थान के लिए एट का प्रयोग और अपेक्षाकृत बड़े समय और स्थान के लिए इनका प्रयोग, ध्यान देंगे सेंटेंस कैसा हो गया सर, गलत हो गया, क्या हो गया सेंटेंस यहाँ पर टाइम पे आकर गलत हो गया, क्या बोलेंगे इसको सही, ही का ही, गोज का गोज, टू का टू, ऑफिस का ऑफिस, अब क्या बोलेंगे एट 5 o'clock बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको एट 5 o'clock, अब क्या बोलेंगे इन द मॉर्निंग, क्या बोलेंगे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, अब कौन सा बजने वाला टाइम छोटा टाइम और हमेशा स्पेल कौन सा टाइम बड़ा टाइम, बात समझ में आई दोस्तों। मैं आपको बोलूं We live at India in Haryana. मैं बोलूं आपको We live at India in Haryana. ध्यान से देखेंगे दोस्तों, We हमारे पास क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, और हमारे पास क्या आ गया प्लेस आ गया, क्या आ गया दोस्तों हमारे पास प्लेस। अब भारत पहले मतलब भारत बड़ा या हरियाणा, भारत बड़ा दोस्तों, और भारत कैसा टाइम हमारे पास, कैसा प्लेस है बड़ा, और हरियाणा कैसा प्लेस है छोटा, और पहले क्या आना चाहिए हरियाणा और फिर क्या आना चाहिए हमारे पास इंडिया आना चाहिए, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे वी लिव एट हरियाणा, और फिर इनकी जगह आप किसका प्रयोग करेंगे इंडिया का प्रयोग करेंगे, बात समझ में आई दोस्तों। वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश बनाया, क्या बनाया, सब्जेक्ट अपनी वर्ब के सारे एक्शन के सारे कार्य करेगा अपने ऑब्जेक्ट के माध्यम से, एक्शन को गुजारेगा और जगह बताएगा और स्थान, जगह और स्थान बता दिया, फिर क्या बताएगा समय, जब जगह और समय की बात होगी तो पहले छोटा समय या जगह, फिर उसके बाद बड़ा समय या जगह की बात करेंगे, बात समझ में आई दोस्तों। आज के स्पेल में, आज के सेशन में दोस्तों हमने क्या सीखा, सबसे पहले लेटर्स आया, क्या आया सबसे पहले लेटर्स, लेटर्स के कलेक्शन से क्या बनाया हमने वर्ड बनाया, क्या बनाया लेटर्स के कलेक्शन से वर्ड, और वर्ड के कलेक्शन से क्या बनाया हमने सेंटेंस, और सेंटेंस के कितने पार्ट बनाए हमने दो, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बात करेगा तो व्यक्ति विशेष की और प्रेडिकेट बात करेगा तो किसकी, इस सब्जेक्ट की, मतलब इसका सबसे खास आदमी कौन सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, बात समझ में आई। जब इसके परिवार से मिलने गए, जब भाई इसके परिवार से मिलने गए, किसकी बात करेंगे तो उसके परिवार से तो मिलेंगे ना, जब परिवार से मिलने गए सेंटेंस के, तो सेंटेंस क्या उसका मुखिया, उसके कितने बेटे दो, एक इन द बेसिस ऑफ मीनिंग और दूसरा इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन।
जब बेसिस ऑफ मीनिंग के बेटों से मिले तो कितने बेटे थे? पांच बेटे. कितने बेटे थे? पांच. पहला कौन सा? असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा ऑप्टेटिव और लास्ट वन कौन सा हमारे पास? एक्सक्लामेटरी. आज जो बात की इन द बेसिस ऑफ मीनिंग की, फिर इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन से दूसरे बेटे को उसने बुलाया चाय पीने के बाद, तो उससे मुलाकात की तो उसके कितने बेटे? तीन. फर्स्ट कौन सा? सिंपल. दूसरा कौन सा? कंपाउंड. और तीसरा कौन सा? कॉम्प्लेक्स. आज हम उसके कौन से बेटे के घर पे गए मिलने के लिए? असर्टिव के घर पे गए. किसके घर पे गए? असर्टिव के. और उसने हमें क्या? सूचना का भाव प्रदान किया. कैसा भाव प्रदान किया? सूचना का. और जब सूचना हमारे पास आई तो कैसी? अच्छी सूचना और बुरी सूचना. खबर कैसी? अच्छी या बुरी? भाई साथी है तो नाचेंगे. और भाई क्या, अगर कोई एक्सपायर हो गया तो भाई गम के अंदर क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे, टूट जाएंगे. भाई बात समझ में आई? अपने का खोने का डर मेरे से ज्यादा तुम सभी को पता है. बात समझ में आई? ध्यान दें टॉपिक पे. जब अफर्मेटिव आया तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, और नेगेटिव आया तो क्या बनाया? सब्जेक्ट वर्ब नोट और ऑब्जेक्ट. दोस्तों नोट जब भी आएगा हमेशा किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा. ध्यान देंगे. उसके बाद हमने क्या बनाया? वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या था? प्लेस. और फिर क्या बनाया? टाइम. क्लियर? उसके एग्जाम्पल किए. दोस्तों आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक. आप सभी को एक छोटी सी बात, दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए सभी मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं कि इनको क्या बोलो कि भाई सब्सक्राइब करें. क्या करें ये लोग? सब्सक्राइब करें. दोस्तों उन सभी के कहने पे और इस छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप मेरे को कोऑपरेट करना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. और अच्छे रूप से मिलने के लिए अभी मैं नारनौल के अंदर इजी वे अकेडमी, जो गणेश मार्केट के अंदर है, संचालक उसके मिस्टर महिपाल सिंह बोहरा पटिकरा से और मिस्टर इंजीनियर अभिमन्यु यादव जो अपने बहरोड की तरफ से है, करनी कोट उनका गांव है, उनके संचालन में और उनके निर्देशन में ही दोस्तों हम काम कर रहे हैं. तो आप वहां पर आकर भी मेरे से मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. डाउट की दोस्तों कोई फीस नहीं लेते. एक बार आइए हमारी जगह पे भी, हमसे भी मिलिए, विजिट करिए. लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, गुड नाइट, गुड बाय. कल इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं. बाय दोस्तों, बाय.